ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, या फिर पैरालिसिस, या फिर MND मोटर न्यूरॉन डिसीज, या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स वाले बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसका कंप्लीट क्योर आयुर्वेदा में है? हर बार आपके इसके लिए एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स और IVs लगाते हैं, आपको बार बार एडमिट होना पड़ता है, तो क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेदा में कभी भी आपको स्टेरॉइड्स या पेन किलर्स या फिर एंटीबायोटिक्स बार बार नहीं खिलाया जाता है, जिसके वजह से आपके किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन जो है वीक होने लगते हैं। इसके लिए आयुर्वेदा बेस्ट ट्रीटमेंट रहती है। इसमें सिंपल हर्बल मेडिसिन पेशेंट्स को दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट तुरंत क्योर होने लगते हैं। इसके लिए गाय के घी के ड्रॉप्स नेजल रूट्स में डालने के लिए बोलते हैं। गाय का घी जितना पुराना होता है उतना उसकी दवाई का मात्राएं बढ़ाई जाती है और उसके रिजल्ट सबसे अच्छे रहते हैं। गाय के घी का कुछ एक्सपायरी डेट नहीं रहती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कीजिए। हल्दी वाले दूध में गाय का घी 1 से 2-3 चम्मच मिला के दिन में 2 से 3 बार पिलाया जाता है। उसमें शिलाजीत के ड्रॉप्स 5 से 7 डालने के लिए 2 बार देते हैं। फिर बादाम रोगन, बादाम के आलमंड ऑयल्स 5 से 7 ड्रॉप दिन में 2 बार लेने चाहिए। उसमें गौमूत्र पिलाते हैं या फिर गोधन रख देते हैं 5 से 7 चम्मच दिन में 2 से 3 बार, या फिर अगर अनकंट्रोल्ड है तो फिर आधा आधा कप भी पिलाते हैं हल्दी वाले दूध में या पानी में, और थोड़ा हनी डाल के देते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो हनी मत यूज़ कीजिएगा, सिर्फ पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। अगर आपको हीट बहुत शरीर में बढ़ जाती है तो क्या करना है? तो ज़बान पे तुरंत केसर रख लीजिए 5 से 10 पंखुड़ियाँ, और ऐसे आप दिन में 2 से 3 बार डेली कीजिए। 15 दिन तक आप डेली करेंगे तो थोड़े दिनों में जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा हीट लगती है, बहुत गर्मी लगती है, या किसी को बहुत जल्दी ठंडी लग जाती है बिकॉज ऑफ थायरॉयड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जल्दी ही वो क्योर होने लगते हैं।